फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट. और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 9 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4. पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या दिया है. एक्सप्रेस 0.9999 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये 9 कंटिन्यूस होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है इन द फॉर्म पी बाई क्यू. पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, जहाँ पर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. आर यू सरप्राइज बाय द आंसर? जब हम आंसर निकालेंगे तो आप थोड़े सरप्राइज ज़रूर होंगे. विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस. और उसके बाद आंसर को, इस तरह से आंसर कैसे आया है इसके बारे में आपको डिस्कस भी करना है. तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस. सबसे पहले हमें जो वैल्यू दी है वो हम एक्स मानेंगे, दैट इज 0.9999 डॉट डॉट डॉट, मतलब 9 रिपीट हो रहा है ना. उसके बाद तो अब जैसे सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10. मैंने आपसे क्या कहा था, जितने नंबर रिपीट होंगे उतने 1 के ऊपर 0 लगा दो और मल्टीप्लाई कर दो, राइट. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.999 डॉट 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 डॉट, मतलब ये हो गया 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.999, तो ये कितना हो जाएगा 9.999, इस तरह से, ठीक है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, ये डॉट 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 चलते रहेगा. अब क्या होगा, हम 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 2 माइनस 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 10x माइनस एक्स. यस, 10x में से ये x गई, और यहाँ पर भी 9.999 डॉट 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 माइनस 0.999 डॉट डॉट डॉट, माइनस करेंगे तो 10 माइनस 1 9x होगा, और 9.99 में से 0.99 माइनस करेंगे, तो देखिए डॉट के आगे तो सारे नंबर सेम है, तो ये सब जीरो हो जाएंगे, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9, और 9 माइनस 0 ये सिर्फ 9 ही बचता है. तो यहाँ पर हमारा x क्या हो जाएगा, 9/9, और 9/9 तो 1 होता है, जबकि हमें फ्रैक्शन में पूछा था, फ्रैक्शन में पूछा है, तो यहाँ तो हमें फ्रैक्शन p और q दोनों ही कैसे मिल गए, सेम नंबर मिल गए, तो 1 जो है वही हम लिखेंगे. लेकिन जो कि सिंस 1 इज इक्वल टू 1/1 आप करते हो, तो 0.9999 अगर आएगा आंसर, दैट इज 1 ही होगा, है ना, दैट इज 1. सिंस there is no gap between 1 and 0.9999 dot dot dot, कोई भी गैप नहीं है, कोई भी बीच में नंबर नहीं आता इन दोनों के बीच में, इसलिए 1/1 अगर आप लिखते हैं तो भी चलेगा, और वही 0.999 भी होता है. तो इस तरह से थोड़ा सा सरप्राइजिंग आंसर था ये, क्योंकि हमें जो पी और क्यू की वैल्यू मिली वो दोनों भी सेम मिली, दैट इज़ 1/1, 9/9, जिसको हम 1 भी लिख सकते हैं, और 0.9999 डॉट 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 का मतलब भी अप्रॉक्सीमेटली 1 ही होता है. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है. फॉर द क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट.